आज का वीडियो में ऐसे सात गलतियां आपके साथ शेयर करूंगी जिसके कारण में हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है गर्मी बरसर सर्दी कभी भी आप प्लांट ग्रो करेंगे और ये सात गलतियां नहीं करेंगे तो आपका प्लांट सालों साल जैसे गार्डन में चलता रहेगा ग्रो होते रहेगा और वैसे ही प्लांट अपना काम सही से कर पाएगा फ्लावरिंग प्लांट भर के फ्लावरिंग भी देगा फ्रूटिंग प्लांट में फ्रूट झड़ेगा नहीं अच्छे से फ्रूट भी हो पाता है और जो वेजिटेटिव इंडोर प्लांट है वो भी अच्छे से ग्रो हो पाएगा सबसे पहले प्लांट ग्रो होना शुरू होता है सॉयल मीडिया पे सॉयल मीडिया आपको कैसे रखना है ना टाइट रखना है ना ज़्यादा ढीला रखना है सॉयल मीडिया हमेशा आपको थोड़ा सा यारी रखना है कि मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच जाए प्लांट का रूट्स में और प्लांट का रूट्स अच्छे से मिट्टी के अंदर फैल पाए तभी जाके कोई भी प्लांट अच्छे से ग्रो हो पाएगा ऐसे टाइट मिट्टी में आप प्लांट लगा के रखेंगे तो ना प्लांट का रूट्स अच्छे से सांस ले पाएगा यानी प्लांट का रूट्स अच्छे से ग्रो हो पाएगा ना प्लांट का वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छे से हो पाएगा सोयल मीडिया को अच्छे से एयरी बनाने के लिए आप बालू का भी इस्तेमाल कर सकते हो यानी सैंड का आप राइस खास का भी इस्तेमाल कर सकते हो और जब प्लांट पहली बार लगाएंगे सॉयल मीडिया पे अच्छे से कॉम्पोस्ट भी आपको ऐड करते रहना है नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि आपका प्लांट रेड सॉइल में लगा हुआ है कि ब्लैक सॉइल में लगा हुआ है जब आप गमले के अंदर पॉटिंग करेंगे यानी प्लांट को लगाएंगे तब प्लांट का जो रूट बॉल है थोड़ा सा ऊपर के तरफ करके आपको लगाना है गमले के ज़्यादा गहराई पे आप प्लांट को लगा देंगे तो धीरे धीरे प्लांट में क्या जो रूट बॉल है वो पानी डालने से सूखता नहीं है और पानी ना सूखने के कारण में रूट बॉल खराब हो जाता है ऊपर के तरफ करके प्लांट जब आप लगाएंगे रूट बॉल अच्छे से हवा लगने के कारण में जब हम पानी डालते हैं एक्स्ट्रा पानी नीचे के तरफ चले जाता है और रूट बॉल अच्छे से सूख भी जाता है जब प्लांट में येलो लीव्स यानी पीला पत्ता आना शुरू हो जाता है कल या पीला होकर झड़ जाता है इसका एक मेन रीजन होता है प्लांट का रूट बॉल में ज्यादा पानी जम रहे है यानी मिट्टी वहाँ का सूख नहीं रहे है तो फ्रेंड्स कोई भी प्लांट आप लगाएंगे देखिए इस तरीके से प्लांट जब लगाएंगे इसका जो मेन तना है ऊपर के तरफ आपको लगाना है गमले के अंदर ज्यादा गहराई पे आपको नहीं लगाना है तो ये पॉइंट आपको अच्छा से धन पे रखना है जब भी कोई प्लांट आप ग्रो करेंगे देखिए यहाँ तक रूट बॉल होना नहीं चाहिए थोड़ा सा ऊपर के तरफ आपको करके रखना है नेक्स्ट वाइटल पॉइंट है प्लांट को आप कहाँ पे प्लेस कर रहे हो वो चीज़ आपको देखना है जो प्लांट ज़्यादा धूप पसंद करते हैं उसका प्लेसिंग ऐसे होना चाहिए कि पूरे साल ही अच्छे से धूप लग जाए और जो प्लांट धूप पसंद ज़्यादा नहीं करते जैसे हाइब्रिड कोई भी हाइब्रिड प्लांट का बात करूँ तो ज़्यादा धूप पसंद नहीं करते हैं तो आपको थोड़ा सा शेड आ जाए डे के लिए ऐसी जगह आपको चुनना है जैसे मेरा बालकोनी ही देखिए यहाँ पे कोई शेड नहीं है प्लांट को ऐसे मैंने प्लेस कर रखी हूँ कि जो प्लांट में ज़्यादा धूप लगे उस प्लांट में मैंने उस जगह पे मैंने बोगन भिला प्लांट लगा के रखी हूँ आप देख रहे हो कि हर कोई प्लांट जहाँ पे खराब होना शुरू हो जाता है मेरा बोगन भीला प्लांट में देखिए भर के फूल आ रहे हैं तो इसका मतलब ही है कि प्लांट का प्लेसिंग एडेनियम प्लांट को भी मैंने ऐसे जगह पे प्लेसिंग कर रखी हूँ कि प्लांट तपती गर्मी में सूख भी नहीं रहे हैं पर भर भर के फूल दे रहे हैं तो इस तरीके से थोड़ा आपको जानना है आपका प्लांट किस तरह कौन सा सन का पसंद करते हैं पूरा दिन का सनलाइट पसंद करते हैं कि हाफ डे का पसंद करते हैं कि पूरा दिन में सनलाइट ज़्यादा पसंद करते ही नहीं है उसके अकॉर्डिंग आपको प्लांट को प्लेस कर देना है और देखिए जैसे हम प्लास्टिक गमले में प्लांट लगा के रखी हो इस तपती गर्मी में प्लास्टिक गमले को आप धूप में रखेंगे तो देखिए प्लांट इस तरीके से आपका खराब हो जाएगा क्योंकि ये जो प्लास्टिक गमला है इसका बाहर से हीट प्लांट के अंदर यानी सॉइल के अंदर आ रहे हैं सॉइल में आप पानी दे रहे हो तो दोनों का कम्बिनेशन में प्लांट बीच में खराब होते जा रहे हैं तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा चेक करके ही आपको प्लांट को लगा देना है और प्लास्टिक गमले में आप प्लांट को लगा के रखे हो तो इस तरीके से देखिए बड़े बड़े प्लांट के छाए में प्लास्टिक गमले को लग आपको रख देना है तो गर्मी में ये प्लांट बच जाएगा जैसे मैंने कर रखी हूँ और एडिनियम प्लांट में देखिए कितना सारा कलिया बन रहे हैं फूल खिल रहे हैं इसका प्लेसिंग भी मैंने ऐसे कर रखी हो नेक्स्ट प्लांट देखिए जैसे ये प्लांट देखिए थोड़ा सा सूख रहे हैं इसका कारण है ओवर वाटरिंग गर्मी के कारण में ज़्यादा पानी हम डाल देते हैं प्लांट का मिट्टी अंदर से सूखता नहीं है और बिना चेक करके बिना देखभाल करके जब हम प्लांट में ओवर वाटरिंग कर देते हैं इस तरीके से प्लांट में देखिए जो कलिया बन रहे हैं वो भी सूख जाता है ओवर वाटरिंग के कारण में और प्लांट अच्छे से ग्रोथ पे नहीं आता है तो प्लांट में भी पानी आपको ध्यान से देना है मिट्टी हल्का सा सूखने के बाद ही आपको पानी देना है नेक्स्ट वाइटल पॉइंट देखिए फ्रेंड जैसे ये गमला है एक ही जगह पे जब हम पानी देते हैं देखिए छोटा से गड्ढा बन गए हैं तो इस तरह जब गड्ढा बन जाए आपको तुरंत गमले के ऊपर का मिट्टी को एकदम सेम लेवल पे कर देना है नहीं तो यहाँ पे ज्यादा पानी जमता रहेगा और प्लांट का रूट्स खराब होते जाएगा तो इस तरीके से जैसे गड्ढा बन जाएगा चारों तरफ मिट्टी एक लेवल पे आपको कर देना है। है नेक्स्ट पॉइंट आता गुराई महीने में दो बार आप प्लांट को अच्छे से गुराई करते रहेंगे तो फ्रेंड्स नेचुरल तरीके से ना प्लांट में कोई फंगस लगेगा ना कोई इंसेक्टिसाइड पेस्ट का अटैक भी होते रहेगा तो गुराई बहुत ही एक वाइटल पॉइंट है प्लांट को हेल्दी बना के रखने के लिए और बाय चांस प्लांट का मिट्टी पे ज़्यादा पानी जम जाए तो अच्छे से गुराई करने से मिट्टी हवा लगने से कारण में अच्छे से सूख भी जाता है और इन्फेक्शन और फंगस भी क्रिएट नहीं हो पाता है पर गुराई आपको गिली मिट्टी पे नहीं करना है जैसे देखिए ये गीली मिट्टी है इस तरीके से आपको अभी गुड़ाई नहीं करना है मिट्टी पे हल्का जब ड्राइनेस आ जाए तभी आपको गुराई करना है और ऐसे जैसे हार्ड मिट्टी हो गए हैं बहुत ज़्यादा मिट्टी टाइट हो गए हैं उस टाइम भी मिट्टी पे गुराई का काम आपको नहीं करना है तो इससे रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा काटने का चांस रहता है फिडर रूट तो काट ही जाता है तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ ही करना है नेक्स्ट बहुत ही वाइटल और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है जब भी आप देखेंगे कि आपका प्लांट के सेम मट्टी पे और सेम पॉट में और कोई प्लांट अपने आप ही ग्रो होते रह रहे हैं जैसे तुलसी का प्लांट कह लीजिए तुलसी का प्लांट तो ग्रो होते ही रहते हैं जैसे आपको दिखाऊंगी सादा बाहर प्लांट का बात करूँ तो सादा यानी बिंग का प्लांट भी अपने आप ही उग जाता है तो आप चाहो तो सेपरेट गमला देने के लिए तो आपको करना क्या है शाम के टाइम पे अच्छा से एकदम गहराई में गुराई करके प्लांट का रूट बॉल तक आपको गुराई कर लेना है उसके बाद धीरे धीरे प्लांट को निकाल के आपको सेपरेट गमला देना है क्योंकि कई बार होता क्या है जैसे इस तरीके से जैसे देखिए तुलसी जी का प्लांट है ये ग्रो हो रहे हैं कभी कभार जब हम इसको सेपरेट गमला देंगे ये प्लांट खराब हो जाता है तो आपको करना क्या है ग्रूट बॉल को अच्छे से ज्यादा मिट्टी तक आपको निकाल लेना है और जब आप प्लांट को ट्रांसप्लांट करेंगे आपको शाम के टाइम पे करना है तो आपका प्लांट में जब इस तरीके से कोई और कोई प्लांट ग्रो होते जा रहे हैं आप जब सेपरेट गमला देंगे तो अपने आप उस प्लांट भी ग्रो होते रहेगा प्लांट खराब नहीं होगा बहुत ही ज़्यादा हम गलतियाँ कर लेते हैं जब इस तरीके से प्लांट में हम ओवर फर्टिलाइजर दे देते हैं यानी मांथ में जब आप सॉलिड फर्टिलाइज़र दे रहे हो मांथ में सिर्फ एक ही बार आप दीजिए ज़्यादा फर्टिलाइज़र आपको देने का ज़रूरत नहीं है और लिक्विड फर्टिलाइज़र जब आप दे रहे हो बहुत ही पतला करके पानी के साथ डाइल्यूट करके हफ्ता में एक ही बार आप दीजिए और फर्टिलाइज़र आप जब देंगे तब आपको देखना चाहिए कि कौन सा फर्टिलाइज़र आप दे रहे हो आपका प्लांट में अभी कौन सा फर्टिलाइज़र का जरूरत होता है देखिए जब प्लांट में ज्यादा फर्टिलाइजर हो जाता है इस तरह प्लांट का जो लीव्स है इसका किनारा बराबर इस तरह साइन आ जाता है प्लांट में जब हम ग्रीन ग्रोथ चाहते हैं उस टाइम हमको देना है नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट को जब रूट को मजबूत बनाना है तो हमको देना है फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर और जब प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग फ्रूटिंग का टाइम आता है उस टाइम देना पड़ता है पोटाशियम बेस फर्टिलाइज़र कभी कभार हम गलत टाइम पे गलत फर्टिलाइज़र प्लांट में दे देते हैं और प्लांट हमारा खराब हो जाता है प्लांट में जब आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे आपको शाम के टाइम पे करना है सुबह के टाइम ज़्यादा धूप में आपको नहीं करना है ये गलतियाँ करने से भी प्लांट का पत्ता जल जाता है खास करके इस गर्मी का बात कर रही हूँ विंटर में तभी भी चल जाता है पर गर्मी के टाइम पे जब भी प्लांट में कोई काम करेंगे प्लांट को रूट्स में कोई काम करेंगे आप शाम के टाइम पे करा करिए तेज धूप में आप प्लांट को बिल्कुल छड़िए माज से पानी देके प्लांट को ठंडक मेंटेन करके रखिए तो फ्रेंड्स ये जो कुछ गलतियाँ हम अक्सर करते रहते हैं प्लांट के साथ इसको आप जरूर ध्यान पे रखिए आपका प्लांट सालों साल ही आपका गार्डन में चलता रहेगा अच्छे से ग्रो हो जाएगा और प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी हो पाएगा और सारा ये जो पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया है इंडोर प्लांट के लिए भी सेम बात आपको फॉलो करना है और इंडोर प्लांट के लिए स्पेशली एक टिप्स आपको देना चाहती हूँ जब इंडोर प्लांट में आपको फर्टिलाइजर देना है इंडोर प्लांट को बाहर लेके आइए उसके बाद इंडोर प्लांट में फर्टिलाइजर दे दीजिए और जब फर्टिलाइजर अच्छा से मिट्टी के साथ सूख जाएगा उसके बाद ही दोबारा आपको इंडोर यानी घर के अंदर हो कि कोई शेडी एरिया पे हो प्लांट को आपको शिफ्ट कर देना है है तो इस तरीके से आप प्लांट में काम करते रहिए ये जो पॉइंट आपके साथ शेयर किया है ज़रूर आप ध्यान पे रखते हुए प्लांट के साथ काम करिए फ्रेंड्स आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए कोई क्वेरी है तो आप जरूर मेरे को पूछ सकते हो आज का इस वीडियो यहाँ एंड करते हैं मिलते हैं नया इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग हैप्पी गार्डनिंग